नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बरेली में तीन तलाक और हलाल का मामला सामने आया है। एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी को तलाक देकर घर से बेघर कर दिया। इसके बाद दोबारा तलाकशुदा पत्नी को साथ में रखने के लिए अपने ही पिता के साथ निकाह कराकर हलाल करा दिया। बहू के साथ ससुर का निकाह कराने का सिलसिला यही नहीं रुका। दोबारा तलाक देने के बाद शौहर अब भाई से हलाल कराने पर अड़ा है। यूपी के बरेली स्थित अबान खाना निवासी एक महिला की शादी गड़ी चौकी के वसी से 2009 में हुई थी। महिला का आरोप है कि दो साल बाद शौहर ने उसे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया था। कुछ महीने गुजरने के बाद दोबारा से पत्नी को रखने के लिए उसी साल वसीम ने अपने ही पिता के साथ निकाह कर दिया ताकि हलाला हो सके। इसके बाद ससुर ने तलाक दे दिया, जिसके बाद वसीम ने दोबारा निकाह करके उसके साथ रहने लगा। लेकिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हुए। वसीम उस पर जुल्म करता रहा और 2017 में दोबारा से उसे तलाक देकर घर से बेघर कर दिया। एक बार फिर अब वसीम उसे अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन इस बार शर्त रखी कि उसके भाई यानी देवर के साथ हलाल करना होगा। इसके बाद ही वो शादी करके अपने साथ रखेगा। महिला ने उसकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। अब वह अपनी बहन के घर रह रही है। रविवार को महिला ने आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान के यहाँ पहुँचकर अपना दर्द बयां किया था। गौरतलब है कि तीन तलाक को कोर्ट द्वारा बैन किए जाने के बाद मोदी सरकार ने सख्त कानून बनाने की पहल की है। इस संबंध में तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। लेकिन ये बिल तभी पास हो पाएगा जब बीजेपी के साथ कोई बड़ी पार्टी इसे समर्थन करेगा। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।